इस लॉकडाउन के माहौल में यो निजम चाचा तुम्हें लोगों ने पेट भर के दिलो जान भर के हंसना बोल के आया है। कोणची भी जात धर्म भाषा पंथ को दुखाना इसका अजबातच मकसद नहीं ना। कोणची भी इंसान को अंबानी बच्चन शाहरुख खान या तक की घोड़ा गद्दा बोकड़ बकरी मुर्गा मुर्गी कुत्ता कुत्ती बोका बिल्ली जुरड़ा खटमला यहाँ तक की झाड़ा पाना फुला फला हवा पानी डोंगरा आसमान सूरज चांद तारे जितने जितने भी जिंदा नहीं तो मुर्दा नहीं तो बेजान चीजा इंसान की मालूमात में है इनमें के किसको कतो किसको कतो किसको बिल्कुल भी दुखाना हमारा मकसद नहीं ना। फकस्त दिल पाशे मिठा मिठा शार हंसना और ऐसा हंसते हंसाते जिंदा दिल जगना ये तच हमना लगता। विठल अल्लाह तेरे नाम रुक्षी ने बिरयानी को बगारा दी वैसा इधर बाहर बैठेले निजाम चाचा का नाक हुळहुळ्या बिरयानी की खुशबू नाक में भरी और चाचा को 15 दिन पीछे का रमजान का रोजा याद आया। हा उस दिन 27वां रोजा आता बड़ा रोजा फजर की आजान हुई रोजा रख के नमाज पढ़े फिर बाहर के आंगन में निजम चाचा के 100 फेरे हुए तक सुबह हुई। सुबह के 3-4 घंटे एकदम मस्त गए पन 10 बजे के टोल बजे वैसा चाचा को पीट मोखला मोखला हो गत लगने लग्या जरा जरा से भूख लगने लगी अंदर से बाहर और बाहर से अंदर ऐसे परत फेरे चालू हुए। बीच में अंदर चूल्हे घर में जाग के हुआ बेसन के लड्डू का डब्बा दिशा वैसा मुंह में पानी आया तोबा तोबा करके चाचा ने वहां से कल्टी मारी और अंदर जाके बाया कने नजीक बैठे बाया चित्र काढ़ने लगे लाता बाया क्या करते देखो बाया ने बड़क बड़ा लाल भड़क कलिंगड़ रंगायला चाचा झटके से उठे अंदर आते ही घड़ियाल पर नजर गई 10:05 होईले कतो अभिषे फकस्त 5 मिनट काटा सारख्या बाळा अरे तुझे भूका लगे क्या रे नहीं वो अबू क्यों तुमना लगेन हे खुड़ा क्या तू अरे आपला रोजा येडे भूका लगो नहीं तो प्यास लगो सबर एक सबर रोजा सबर सिखाता अपने को अरे हाँ शाम तक का कुछ भी हो देल सबर नहीं तुटने का होना पण बाळा तू तो कच्चे लिंबू छाईस तूने नियत पड़े ना चिंगा नहीं अजून अजी अबू कौच पड़े मैंने नियत पूला लोजा नहीं बनाला मैं हाँ तुमने पड़े नहीं लगता अजून नियत हाँ चाचा ने छोटे बच्चों जैसा रोजा रखने की नियत अजून तक पड़ेच नते भाया अरे मुझे ना ले जोर से भूखा लगे ले कुछ समझता नहीं ना देख रुक्षी सांस फुलाते आख्या बड़े करके खड़ेली हती भूखा लगे ले हाँ भगुने दियो क्या तुम्हें भगुने मोकले भगुने फोड़ के खावा भी फिर तुम्हें समाधान होएगा क्या तुम्हारा हाँ अरे पेट है क्या कोट है बोलती हूँ मैं रात को पेट भर के खाना खाएला फिर 27 शब को जागने का करके 10 टाइम चा करने लगाया बाबा ने अनुस्ती चा भी निकली जाती है वही एक चा संगत 5-6 नान कटाई करके कल लाइला नान कटाई का अखा पुड़ा एक रात में हपुड़ करके दाले यो इंसान ने ऐसा राबा के रात को 12-12:30 सोई फिर हे रुक्षे उठ रोजा रखने का है हे रुक्षे उठ रोजा रखने का है करके 2:05 उठा के बटाला है मुझे गैस कने अगर रुक्षे गर्मा गर्म चपात्या बना अगर रुक्षे सुक्का की मकर अगर रुक्षे चावला में गोश दाल अगर रुक्षे पतले को अच्छा कर है मौसम्बी का जूस कर मलाई वाली चा कर और यह तो सब चाट पोच के पेट भरे यो बाबा ने
अरे बकासुर की औलाद जनी है हमारी सास ने, अभी दसवीं बजने की बोलते हुए भूखा लगी। अरे शर्म लगने होना जरा तू भी जानकू, कौन वो देखे तो एक रोजा रखेला वो भी सिद्धा निभाई जाता नहीं। मागे सुवर्ण काकू का फोन, सुवर्ण काकू का फोन है। मरो। हाँ बोला सुवर्ण वहिनी, काय म्हणताय? हाँ अभी जिसका फोन आया वो सुवर्ण का तो भास्कर माने की औरत, भास्कर नाना निजाम चाचा दोनों लंगोटी यार। नन्नपण से दोनों के दोस्ती के किस्से पूरे सतारा में फेमस। नन्हे असताना दोनों बावड़ी में पौने गए थे तो डांबरट छोरदन ने उनके सारे कपड़े बगाए। निजाम ने नाना को अपने सिर को गुंडालेला टावेल देके खुद नंगा घर तक आया था। जवानी में एक बार निजाम संगत एक की आयशी बाचा बाची हुई थी। 10-12 पहलवान निजाम को मारने को आए थे। नाना ने छाती फुगा के दम थोपट के सामने आके बोलेला, अरे मी है निजाम, कुणाच्या गांडी दम है त्यानं समोर या, परत आपल्या पायाव तो घरी जाणार नाही, आई रक्ता शपथ। ऐसे कहते तो भी किस्से दोनों के दोस्ती के। नाना वारकरी बिठू राया को दिल से चाहने वाला, हर साल वारी में से चलते पंडरपुर को जाने ला। निजाम चाचा भी हर साल लोलन से फलटन तक वारी में नाना संगत अचने कच। नाना भी निजाम वास्ते हर रमजान में एक तो भी रोजा रखने वाला च। ऐसी दोस्ती। हाँ हाँ सुवर्ण वहिनी तुम्हें काळजी करू नका, मी सांगते त्यांनी फोन करायला। हाँ ठीक आहे तुम्ही। अजी भास्कर भाई जी ने आज तुम्हारे वास्ते रोजा रखेला है, शुगर कम हुई करके सुबह से 2 टाइम चक्कर आया उनको। सुवर्ण वहिनी ने समझाए तो भी सुनते नहीं ना दीकू भाईजान, तुम्ही जरा समझा कि देखू ना धोबाता। निजाम कैसा है रे तू? आजी बात बोलू नकस ना आलाय का? माझ्यासाठी रोजा ठेवणं ही तुझ्या तब्येती परीस मोठं आहे वय, हा पहिलं पाणी पिये। अरे निजाम याडा कशा आणार तू? हा इतका कमजोर समजस होय आपले नाना को तूने? अरे कछवायला नाही ना मुझे, आज का है वय रोजा मजे? अरे तुझे जैसा विठ्ठल वैसाच मजा आला, आपले दोनों के शिर पर हात येडे आपले इट्टल आला का? अन कुरान मेच बोलेला आहे ना, इन्नल्ला मसाबिरीन, सबर करने वाले के साथ खुदा है। ये काय मला सांगू नकस? अरे बीमार को छूट है रोजे में से, तुला कस समजावून सांगू लेगा? तू रोजा सोडा था, मी अल्लाशी बोलून घेतो, तो माफ करणार आहे। अरे बाप कधी लेकरावर राग धरल का? हा तुकोबरायानं गात्यात म्हणलंय, घडे आवडण्या सख्यत्वे बाळे बापाशी न भ्यावे। मी रोजा नाही छोडण्याला कतो नाही, तू मुझे समजाने के फंदे में पडू नको निजाम। हा म्हणजे एक बोल, 4 साल पिछे तेरा पाव फ्रॅक्चर होया था ऍक्सिडेंट में, तो मेरी एक तुम्ही बात तूने सुने थे कह रे? हा आया था ना वारी में मेरे संगत लंगड़ते लंगड़ते। अरे निजाम कोरोना मुळे ह्या वर्षी वारी तर काय होणार नाही, मग निदान रोजा तरी करू दे। चला म्हणजे नियत पडणे की है। नवाईतु अन असूम वदल्लिल्लाहि ताला, रखुमाई जय जय विठ्ठल रखुमाई।
ओम।